हेलो एवरीवन, सो अब हम स्टार्ट करेंगे मेसिलेनियस वाटर ट्रीटमेंट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ टू मार्क्स स्टार्ट करते हैं फर्स्ट है हमारा मैच मैच द फॉलोइंग सो ग्रुप वन में आपका हार्डनेस ब्रैकिश वाटर फ्रॉम सी रेसिडुअल रेसडियोलैम्पन फ्रॉम फिल्टर एंड टर्बिडिटी. सो हार्डनेस एट टाइप ऑफ वाटर इम्प्योरिटी ये आपका इंप्योरिटी है इससे इसको किससे ट्रीट करेंगे पहला ऑप्शन रिवर्स ऑस्मोसिस तो ये तो आपका सॉल्ट के लिए ट्रीट करते हैं सॉल्ट को डिस्टिलाइजेशन के लिए करते हैं क्लोरिसन आपका पैथोजेंस के लिए करते हैं जियोलाइट ट्रीटमेंट क्या है ये आपका आयन एक्सचेंज प्रोसेस डैट इज जिससे आपका हार्डनेस क्या हो जीरो हार्डनेस मिले सो so, पी का क्या हो जाएगा ये आपका थ्री हो गया सो so, थ्री किस में यह आपका बी और डी में इन दोनों में से होगा ब्रैकेश वाटर फ्रॉम सी या आपका सॉल्ट वाटर फ्रॉम सी तो ये कहाँ से होगा यह आपका रिवर्स ऑस्मोसिस तो से होगा सो क्यू का वन सो ये आपका

नेक्स्ट नेक्स्ट अगेन मैच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप वन में है टर्मिनोलॉजी ग्रुप टू में है डेफिनेशन या उसका ग्रिफ डिस्क्रिप्शन फॉर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम पहला प्राइमरी ट्रीटमेंट सेकेंडरी ट्रीटमेंट यूनिट ऑपरेशन यूनिट प्रोसेस सपोज आपको ये नहीं पता तो यह देखते हैं यूनिट ऑपरेशन यूनिट प्रोसेस दोनों में पी है तो पी से तो चेक नहीं करेंगे फिजिकल यूनिट ऑपरेशन यूनिट प्रोसेस क्या रहता है कंटामिनेंट रिमूवल बाय फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस तो पी दोनों में है बी दोनों में नहीं है तो हम सी से चेक करेंगे इसमें सी है ना तो ये आपका क्या ऑसर हो गया ये केमिकल हो गया ये आपका केमिकल हो गया और केमिकल के साथ बायोलॉजिकल आता ही है ठीक है तो इसमें केमिकल बायोलॉजिकल कहाँ है ये इसमें इसमें इन्वॉल्विंग बायोलॉजिकल एंड केमिकल रिएक्शन सो एस का हो गया टू एस का हो गया टू देन ऑपरेशन फिजिकल कंटामिनेंट रिमूवल ऑफ फिजिकल फोर्सेज तो आर का हो गया वन ठीक है तो आर का वन आपका इसमें है ठीक है एक ही ऑप्शन है देन एस का टू आपका इसमें है तो आपका ही होना चाहिए देख लेते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट आपका कन्वर्जन ऑफ और सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर टू तो बिजनेस सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर ये नहीं होता रिमूवल ऑफ सॉलिड मेटेरियल फ्रॉम इनकमिंग वेस्ट वाटर सो ये आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है ठीक है सेकेंडरी आपका कन्वर्जन ऑफ और सॉल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर टू तो बिजनेस ओके सो ये आपका फोर एंड थ्री सो ए इज द करेक्ट आंसर ये आपका वेस्ट वाटर में भी अच्छे से और पढ़ेंगे ओके नेक्स्ट नेक्स्ट है द पोर्टेबल वाटर इज प्रिपेयर फ्रॉम द टर्बिड सर्फेस वाटर बाय अडॉप्टिंग द फॉलोइंग ट्रीटमेंट सिक्वेंस अब कौन सा सिक्वेंस है ये निकालना है टर्बिड सर्फेस वाटर को हम ट्रीटमेंट करके पोर्टेबल वाटर में कन्वर्ट करना है जिसको पानी को हम यूज कर पाए ठीक है तो आपका हम अभी तक क्या क्या पढ़े सबसे पहले तो क्वालिटी चेक होता है क्वालिटी चेक लेकिन उससे ट्रीट नहीं करते सिर्फ चेक करते हैं हम जब तो ट्रीटमेंट देखना ना उसके बाद क्या होता है आपका प्लेन सेडिमेंटेशन उसके बाद आपका कोगुलेशन कोगुलेशन में क्या क्या होता है कॉगुलेशन हो गया फिर आपका कोगुलेशन देन फ्लोकुलेशन फ्लोक्युलेशन देन उसके बाद आता है आपका सेडिमेंटेशन uh, सेडिमेंटेशन उसके बाद आता है आपका फिल्ट्रेशन देन उसके बाद आपका डिसइंफेक्शन, इन्फेक्शन सो ये आपका प्रोसेस था वाटर सप्लाई में ठीक है चेक करते हैं टर्बिट वाटर टर्बिट सर्फेस वाटर ये आपका इनकम है इनकमिंग वाटर है ठीक है इसके बाद कोगुलेशन कोगुलेशन के पहले लेकिन आपका ठीक है कोगुलेशन के पहले आपका प्लेन सेडिमेंटेशन होगा ठीक है प्लेन सेडिमेंटेशन है क्या कहीं पर प्लेन सेडिमेंटेशन बाद में नहीं है तो ये आपका स्किप कर दिए ठीक है स्किप कर दें तो चलेगा लेकिन बाद में नहीं होना चाहिए ओके okay, सही है फिर उसके बाद फ्लॉकुलेशन फ्लॉकुलेशन सही है सेडिमेंटेशन सेडिमेंटेशन सही है प्लेन सेडिमेंटेशन और ए सेडिमेंटेशन में डिफरेंस है ना ध्यान रखना ओके नेक्स्ट फिल्ट्रेशन ये भी सही है फिर डिसइंफेक्शन ये भी सही है फिर स्टोरेज एंड सप्लाई ओके okay. सो so ये तो सही है ना बिल्कुल सही है तो ये आपका सही होगा बाकी देखते हैं कहाँ गलत है अब ये सही मिल गया तो बाकी तो ऑब्वियसली गलत ही होगा ना ओके फर्स्ट है टर्बिटिट सर्फेस वाटर उसका डिसइनफेक्शन डिसइनफेक्शन तो आपका लास्ट प्रोसेस है सो so, यहाँ तो आपका यहीं पर गलत हो गया टर्बिट सर्फेस वाटर फिर फिल्ट्रेशन लेकिन फिल्ट्रेशन के पहले क्या होगा फ्लॉक्स बनेंगे ना कॉगलेशन होगा फ्लॉकुलेशन होगा वो यहाँ पर कागलेशन फ्लॉकुलेशन यहाँ पर दिया तो ये भी आपका गलत हो गया फिर टर्बिट सर्फेस वाटर सेडिमेंटेशन ये आपका प्लेन सेडिमेंटेशन नहीं है प्लेन सेडिमेंटेशन होता तो सही होता लेकिन ये प्लेन नहीं है तो इसमें क्या फ्लॉकुलेशन कॉगुलेशन बाद में दे दिया ये आपका पहले होना था तो ये भी आपका गलत हो गया सो ए इज द करेक्ट आंसर ठीक है ओके okay. इसमें इतना ही था थैंक यू वेरी मच